किया है जिन्होंने, प्लीज लेट मी नो, एम आई क्लियरली ऑडिबल और नॉट एवरीबडी? ओके ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन शेयर की गई सबको दिख रही है? इज इट विजिबल फॉर एवरीबडी? ओके ठीक है। सो दिस इज आवर इकोनॉमी लेक्चर राइट, एंड वॉट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर, लेट्स टेक एन रिव्यू, क्विक रिव्यू ऑफ वॉट वी हैव स्टडीड सिंस आवर फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो हमने फर्स्ट लेक्चर से क्या क्या देखा, ब्रीफली मैं आपको एक रिव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, तो पहले हमने स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको इंडेक्स दी थी उसमें मैंने बताया था कि इकोनॉमी फॉर यूपीएससी हैज सिक्स पिलर्स राइट। द सिलेबस फॉर यूपीएससी इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू और कैटेगराइज्ड इनटू सिक्स पिलर्स, एंड वी आर स्टडीइंग आवर वेरी फर्स्ट पिलर दैट इज मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। ओके, एंड इन द वेरी फर्स्ट पिलर वी हैव टेकन अप द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज मनी। ओके, तो हमने मनी में क्या क्या सीखा, पहले तो हमने सीखा कि ओरिजिन ऑफ मनी। ओके, मनी कैसे ओरिजिन हुआ, जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता था तो उससे पहले किस प्रकार से ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, दैट इज बार्टर सिस्टम से, वो भी हमने देख लिया। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके बाद में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, व्हाट इज द रोल ऑफ मनी, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद में हमने टॉपिक शुरू किया था दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पांच बॉक्सेस बनाए हैं, तो दिस इज बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, तो पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी में क्या था, कमोडिटी मनी था राइट। हमने कमोडिटी मनी सीखा कि लोग किस प्रकार से एज ए कमोडिटीज को, मतलब वस्तुओं को, चीजों को एज ए मनी के रूप में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि जो भालू के खाल या फिर जो प्रिसाइज स्टोन होते हैं ठीक है उनको, या फिर समुद्र में से मिलने वाले जो शंख शिंपले होते हैं उसको एज ए मनी के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में आया मेटालिक मनी ठीक है, कॉइन्स, जो राजा थे वो अपना स्टैम्प उस मेटल पे कॉइन पे छापते थे और उसको एज ए मनी इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद में आया पेपर मनी, नोट्स, जो आज हम नोट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं ठीक है। उस पर हमने सीखा कि फियाट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है राइट, ये हमने पिछले लेक्चर में पिछले सारे लेक्चर्स में हमने ये चीजें जानी ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इवोल्यूशन क्या हुआ मनी का, कमोडिटी से मेटालिक हुआ, फिर मेटालिक से पेपर मनी, फिर पेपर मनी से बैंक मनी ठीक है। सो इस स्टेज में कौन कौन से हमने पॉइंट सीखे, बैंक मनी में क्या होता है नेफ्ट आरटीजीएस राइट, चेक क्या होता है, डीडी क्या होता है ठीक है। उसके बाद में डिजिटल मनी, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में हमने सीखा कि डिजिटल इकोनॉमी प्रकार से होती है, उसमें क्या क्या होता है। उसमें हमने देखा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ठीक है। उसमें हमने यूपीआई सीखा, यूपीआई 2.0 सीखा राइट, और फोन पे, गूगल पे, ये इस प्रकार के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से काम करते हैं वो भी हमने डिजिटल इकोनॉमी में सीखा ठीक है। और इस मनी पार्ट का, इस मनी टॉपिक का अब लास्ट एक टॉपिक बचा है, वो है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ठीक है। तो वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी दैट इज और कैशलेस इकोनॉमी जो हम पॉइंट उस पर डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, उसका एक लास्ट समरी या फिर लास्ट उसका पॉइंट हम आज देखने वाले हैं ठीक है। सो उससे पहले आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ठीक है, बेसिकली आई हैव टू क्वेश्चन फॉर यू, सो आई वॉन्ट यू टू गिव मी एन आंसर फॉर द क्वेश्चन ओके। तो मेरा पहला सवाल ये है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि व्हाट इज एम डी आर,
मर्चेंट्स डिस्काउंट रेट क्या है, व्हाट इज मर्चेंट्स डिस्काउंट रेट MDR। आपको क्या करना है, आपको मुझे माइक ऑन करके इस आंसर का, सवाल का आंसर देना है। ठीक है, वुड लाइक टू आंसर व्हाट इज MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, किसी को रिमेम्बर, किसी को याद है, एनीबडी? प्लीज इफ यू नो द आंसर राइट यस, और इफ यू डोंट रिमेम्बर प्लीज राइट नो इन द चैट बॉक्स। लेट मी नो क्या आपको पता है या नहीं। ठीक है, जल्दी से फीडबैक दीजिए एज क्विकली एज पॉसिबल, प्लीज डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। एम आई ऑडिबल टू यू स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू आर नॉट? ओके, इट इज टैक्स। ओके, किसी ने बताया कि अभी इट इज टैक्स। ठीक है, और कोई कुछ बताने की कोशिश करेगा? अच्छा, किसी को भी याद नहीं है क्या था MDR। ओके, सो दिस विल, इस प्रकार से आपको इस लेक्चर का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, लेट मी से इट क्लियरली दैट आपको जो भी लेक्चर में पढ़ाया गया है, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू हैव टू आस्क मी, इट्स योर ड्यूटी। ठीक है, आपको पूछना है कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, और समझ में आता है तो आपको आंसर देने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। ओके ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट मी गिव आंसर। ठीक है, सो MDR क्या है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि MDR इज मर्चेंट्स डिस्काउंट रेट। ठीक है, इस पे UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपको ज्यादा महत्व दे रहा हूँ और आपको इसके बारे में सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो MDR है, उसे बोलते हैं मर्चेंट्स डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो MDR क्या होता है, MDR इज द फी दैट अ मर्चेंट हैज टू पे टू अ बैंक फॉर एवरी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन। जब हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन में से जो मर्चेंट को या फिर व्यापारी को जो पैसे मिलते हैं, ठीक है, उस पैसों में से कुछ पैसे कट हो जाते हैं व्यापारी के अकाउंट से और वो एज ए फी चला जाता है बैंक को और वो जो क्रेडिट कार्ड की जो कंपनीज है उनको। ठीक है, वो एक प्रकार की फी होती है जो मर्चेंट को पे करनी पड़ती है ऑन एवरी ट्रांजेक्शन दैट हैज हैपन थ्रू कार्ड्स। ठीक है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, तो उसे बोलते हैं MDR। एक प्रकार का ये एक प्रकार का ये मर्चेंट्स के ऊपर क्या होता है कि एक प्रकार का बोझ होता है। ठीक है, मतलब वो चीज बेच रहे हैं 2,000 रुपए की, कस्टमर उन्हें 2,000 रुपए ही पे कर रहा है, लेकिन उनके जब अकाउंट में आते हैं तो 2,000 नहीं आते, कुछ 50-100 रुपए कट हो जाते हैं एज ए फी, क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कार्ड से हुआ है और कार्ड से ट्रांजेक्शन करने पर कुछ पैसे कट जाते हैं मर्चेंट के अकाउंट से। ठीक है, तो उसे बोलते हैं MDR। और ये MDR जो है ये डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो हमारा हम करना चाहते हैं, या कैशलेस इकोनॉमी को हम जो प्रोत्साहित करना चाहते हैं उसमें एक ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो मर्चेंट्स होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं कार्ड और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए। ठीक है, वो कैश में ज्यादा ट्रांजेक्शन करने के लिए वो प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर कार्ड और डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा तो उसे उसका थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट MDR। ठीक है, नाउ प्लीज रिमेंबर दिस और अभी भूल मत जाइए। ठीक है, नाउ ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस, आपको समझ में आ गया व्हाट इज MDR? ओके, नाउ कैशलेस इकोनॉमी चार्म्स एंड चैलेंजेस।
हमने पिछले लेक्चर में जो डिजिटल इकोनॉमी डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े, तो उसमें हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है कैशलेस इकोनॉमी, चार्म्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो बेसिकली कैशलेस इकोनॉमी, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस। हालांकि उसको डिसएडवांटेजेस नहीं बोल सकते हम, लेकिन हम चैलेंजेस बोल सकते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी से हमको क्या फायदा हो सकता है, और कैशलेस इकोनॉमी को लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी करने के लिए हमको क्या चैलेंजेस दरपेक्ष है। ठीक है, ओके। सो पहले ये समझते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी क्यों जरूरी है। ठीक है, सो बेसिकली कैशलेस इकोनॉमी होती क्या है? तो कैशलेस इकोनॉमी इज दोज इकोनॉमी वेयर ट्रांजेक्शन आर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन, और वी कैन से एवरी ट्रांजेक्शन इज हैपन थ्रू कार्ड या फिर बाय मीन्स ऑफ डिजिटल। ठीक है, मतलब वहाँ कैशलेस इकोनॉमी वो होती है जिस इकोनॉमी में कैश का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे पूरी तरह से जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो मनी का लेन देन होता है, जो कमोडिटी की खरीद या फिर उसको बेचा जाता है, वो सारा ऑनलाइन या फिर उसको डिजिटली होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से कैश वहां पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, कैश का मतलब क्या है? जो हमारे नोट्स होते हैं जिनको हम छू पाते हैं। ठीक है, और डिजिटल ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि सारा जो ट्रांजेक्शन हुआ डिजिटली हो जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं हमारे कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, ये जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, राइट, कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमिटीज बनाई कि किस प्रकार से कैशलेस इकोनॉमी को इंडिया में प्रमोट किया जाए। ठीक है, क्योंकि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैश लेस करने के लिए या फिर डिजिटल मीन से ट्रांजेक्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। ठीक है, और उसी दौरान गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कैश से ना हो पाए, वो डिजिटली हो। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कैशलेस इकोनॉमी से क्या क्या फायदे हैं और उसके कैशलेस इकोनॉमी को बनाने के लिए चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आरबीआई लिखा है, उसके नीचे गवर्नमेंट लिखा है, और उसके नीचे लिखा है हाउसहोल्ड्स और बिजनेसमैन। ठीक है, सो जो पहला कॉलम है उसमें क्या है, ये सारे स्टेक होल्डर्स है। ठीक है, और उसके बाद में हर स्टेक होल्डर को क्या क्या फायदा हो सकता है कैशलेस इकोनॉमी से और क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब कैशलेस इकोनॉमी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर डिजिटली ट्रांजेक्शन करेंगे, तो क्या होगा कि नोटों की जो जरूरत है, ठीक है, नोट छापने की जो जरूरत है वो कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि नोटों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोग सारे क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल वॉलेट से या फिर नेफ्ट आरटीजीएस या फिर और सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, नेट बैंकिंग से, ठीक है, इन्हीं सारी चीजों से लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो नोट क्या होगा कि आरबीआई जो नोट छापती है उसको कम नोट छापने पड़ेंगे या फिर नोट ही नहीं छापने पड़ेंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो नोट छापने की जो कॉस्ट है, ठीक है, इट विल रिड्यूस और इट विल इलिमिनेट द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी। ठीक है, तो बेसिकली 27 बिलियन रुपीज पर ईयर हमारा जो नोट छापने के लिए जो पैसा खर्च होता है, ठीक है, मतलब जो नोट छापने का जो कागज होता है, राइट, उस कागज को उस कागज को बनाया जाता है, वो एक स्पेशल कागज होता है, वो हमारा आम कागज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में जो नोट छापने की जो मशीन होती है, उसके बाद में जो इंक होती है, इन सारी चीजों का जो खर्च है वो कम हो जाएगा या फिर इलिमिनेट हो जाएगा अगर ज्यादा से ज्यादा लोग नोट का इस्तेमाल न करते हुए डिजिटली ट्रांजेक्शन करें। ठीक है, उस दूसरा फायदा क्या है कि इन्वायरमेंट को फायदा होगा। अब इन्वायरमेंट को कैसे फायदा होगा, तो बेसिकली हम जो नोट इस्तेमाल कर रहे हैं वो आ रहे हैं, वो
वो बेसिकली एक कागज है, ठीक है। और कागज कहाँ से आते हैं? कागज आते हैं पेड़ों से, ठीक है। तो अगर नोट कम से कम छापे जाएंगे तो क्या होगा कि कागज का जो इस्तेमाल है वो कम से कम होगा, और अगर कागज का इस्तेमाल कम से कम होगा तो पेड़ काटने की ज्यादा से जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण का को भी अच्छा फायदा मिलेगा और पर्यावरण का भी रक्षण होने में मदद होगी, ठीक है। उसके बाद में बेटर इफिकेसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट्स, ठीक है। सो बेसिकली आरबीआई का करती है, क्या करती है कि उसके पास वो मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करती है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको और भी दे देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कि आरबीआई क्या करती है, डिसाइड करती है हर 2 महीने में आरबीआई की मीटिंग होती है, और आरबीआई हमारे बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, उनको डिसाइड करती है, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है, ये सारे इंटरेस्ट रेट है, इनको आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है। तो अगर कैशलेस इकोनॉमी हो जाती है या फिर कैशलेस इकोनॉमी की मदद से आरबीआई को ये मॉनेटरी पॉलिसी चलाने में बहुत ही आसानी होगी और इसकी इससे इफिशिएंसी बढ़ जाएगी आरबीआई की, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इस पॉइंट में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। आगे के सारे लेक्चर हमारे मॉनेटरी पॉलिसी और उसी पे होने वाले हैं, ठीक है। सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और चौथा पॉइंट क्या है कि फ्रॉड और एनपीए, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो डिजिटली अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लगे तो जो फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, मतलब चोरी चकारी वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हो गए, कम हो जाएंगे, राइट। और आरबीआई को सर्वेलेंस करने में भी ज्यादा से ज्यादा मदद होगी, ठीक है। अगर सारे ट्रांजेक्शन अगर डिजिटली हो जाए तो डिजिटल ट्रांजेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत ही अच्छा एडवांटेज क्या होता है कि डिजिटली जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका उसको सर्वेलेंस करना इजी होता है, ठीक है। अगर हम कैश से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस पर सर्वेलेंस रखना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। ओके, सो ये तो रहे आरबीआई को फायदे हो जाएंगे, क्या क्या फायदे आरबीआई को हो सकते हैं या फिर आरबीआई के पर्सपेक्टिव से क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये हमने देख लिया। नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है आरबीआई के सामने। सो फर्स्ट इज एमडीआर, जो मर्चेंट्स डिस्काउंट रेट है, ठीक है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे फी कट हो जाती है मर्चेंट के अकाउंट से, और मर्चेंट इस फी कट हो जाने की वजह से, इस फी की वजह से मर्चेंट क्या होता है कि मर्चेंट विल नॉट यूज कार्ड्स एंड पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ओके, मर्चेंट कस्टमर को क्या कहेगा कि आप कार्ड से पेमेंट ही मत करो, मेरे पैसे कट हो जाते हैं, आप सीधा कैश में ही दे दो, ठीक है। तो बेसिकली एमडीआर की वजह से कैशलेस इकोनॉमी में एक ऑब्स्टेकल आ जाता है। तो आरबीआई के सामने एक चैलेंज है कि किस प्रकार से इस चुनौती को हैंडल किया जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरऑपरेबिलिटी। तो इंटरऑपरेबिलिटी भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो हमारे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जब भी मैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो आपको समझना है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो हमारे मोबाइल से हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो एप्स, ठीक है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम। ओके, सो इंटरऑपरेबिलिटी में हमने क्या देखा कि ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, उनमें इंटरऑपरेबिलिटी कम है, राइट। कि जैसे अगर पेटीएम का वॉलेट है और फोन पे का वॉलेट है तो फोन पे के वॉलेट से डायरेक्ट पेटीएम के वॉलेट में पैसे नहीं ट्रांसफर हो सकते, ठीक है, या फिर वॉलेट से पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर आसानी से नहीं हो सकते, ठीक है। सो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये भी एक चैलेंज आरबीआई के सामने है। नाउ नेक्स्ट इज लीगल फ्रेमवर्क। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही तेजी से डेवलप कर रही है, लेकिन उसका जो लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, वो लीगल फ्रेमवर्क क्या है अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो रही है तो डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल ट्रांजेक्शन के नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन
उन सबको लीगल फ्रेमवर्क में लाना वो भी एक चैलेंज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज केवाईसी। केवाईसी क्या होता है कि नो योर कस्टमर। तो आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू की थी सारे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को कि आप सारे कस्टमर्स का आप क्या कीजिए कि केवाईसी करिए, उनके डॉक्यूमेंट्स आप लीजिए, और उससे क्या होगा कि हर कस्टमर जो इस सिस्टम को यूज कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में रिसेंटली एक डिबेट हुई, मतलब लोगों ने एक इशू उठाया कि आधार कार्ड जो है, ठीक है, आधार कार्ड की हमारी सारी डिटेल्स गवर्नमेंट यूज कर सकती है, ठीक है, हमको हमारा डेटा क्या कर सकती है, चोरी कर सकती है। तो आधार कार्ड में हमारे सारे क्या होते हैं, आधार कार्ड से हमारे सारे बैंक अकाउंट्स लिंक है, आधार कार्ड से सारे हमारे वेरियस सिस्टम है जो हमारे आधार कार्ड से लिंक है। तो अगर हमारे आधार कार्ड के सारे डिटेल्स अगर गवर्नमेंट के पास चले जाए तो गवर्नमेंट उसका मे बी मिस यूज कर सकती है, ऐसा कुछ लोगों को लगता था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन उसमें दी थी, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस चला और वो बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ कंट्री में, ठीक है। तो वो भी एक इशू है, चैलेंज है आरबीआई के सामने। नाउ नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर कैशलेस इकोनॉमी हो जाए। फर्स्ट वन इज टैक्स सर्वेलेंस, ठीक है। अब टैक्स सर्वेलेंस किस प्रकार से हो सकता है, देखिए, अगर हम कैश से ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं रहता, ठीक है। अगर मैं किसी को 10 लाख रुपए कैश दे दूं तो जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, उस थर्ड पार्टी को यानी गवर्नमेंट को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहता गवर्नमेंट के पास इस ट्रांजैक्शन का, क्योंकि मैंने कैश में पैसे दे दिए और उसने ले लिए, ठीक है। तीसरा कुछ भी वहां पे नहीं है, हाथ से ट्रांजैक्शन हुआ ये तो, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जो टैक्स इवेडिंग होती है, ठीक है, या फिर लोग रिश्वत देते हैं कैश में, तो उसको सर्वेलेंस कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर लेट अस इमेजिन कि सारे ट्रांजैक्शन अगर डिजिटली हो रहे हैं, किसी को भी मुझे अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं या फिर पैसे देने हैं तो डिजिटली हो रहे हैं, तो डिजिटली अगर होंगे तो क्या होगा कि बैंक से आपके पैसे कट हो जाते हैं और दूसरे के बैंक में वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इजिली आपका जो अगर बैंक का स्टेटमेंट निकाला जाए तो इजिली आप देख सक आपका पूरा अकाउंट में कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, ये सारा डिटेल्स गवर्नमेंट को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर कोई टैक्स चोरी करने की कोशिश करे, कोई अपनी आय छुपाने की कोशिश करे, मतलब कितने इनकम है वो छुपाने की कोशिश करे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर किसी ने इलीगल तरीके से किसी को पैसे दिए हैं तो उसको भी ट्रैक करना यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है अगर डिजिटल मीडियम से पैसे ट्रांसफर किए गए हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ट्रैफिक हवलदार जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि आपको आपका लाइसेंस नहीं है वगैरह वगैरह, तो क्या करते हैं कि वो आपसे रिश्वत लेते हैं, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपको किसी ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ा है तो आपको फाइन लगाए और आपको उसकी पर्ची दे दे, इससे क्या होता है कि वो जो फाइन होता है वो गवर्नमेंट के तिजोरी में चला जाता है, ठीक है, वो टैक्स वो फी के रूप में गवर्नमेंट के पास चला जाता है और गवर्नमेंट बाद में वही पैसा लोगों के ऊपर खर्च करती है। लेकिन अगर वो ट्रैफिक हवलदार आपसे ये कहे कि आप मुझे जो फाइन है वो मत भरिए लेकिन मुझे रिश्वत दे दीजिए, ठीक है, तो आपको फाइन नहीं भरना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है कि अगर आपको कैश में अगर उसको पैसे दे देंगे तो वो क्या होगा कि उसका कोई भी सर्वेलेंस नहीं होगा, उसको ट्रैक करने का कोई भी माध्यम नहीं है। लेकिन अगर कैश का यूज ही नहीं हो रहा और अगर आप उस हवलदार को पैसे ट्रांसफर करते हैं एज ए डिजिटल मीडियम से, तो वो क्या होगा कि आपके अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट हुए हैं और उसके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं इसका रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। और बाद में जाके जब पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो ये चीज सामने आ जाएगी कि इस ट्रैफिक हवलदार ने इस टाइम पे इस व्यक्ति से इतने पैसे लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि सर्वेलेंस करने में बहुत आसानी हो जाती है, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अगर ज्यादा से ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन होने लगे, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है, चेक्स ऑन फेक काउंटरफेट करेंसी
एंड टेरर फाइनेंस। ओके, सो अभी हमारे जो हम नोट से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो नोट से ट्रांजेक्शन करने में एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर फेक नोट्स हो, ठीक है, फेक नोट्स अगर किसी ने छाप दिए और उसको सर्कुलेट कर दिया, तो क्या होता है कि फेक नोट सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिजिटल इकोनॉमी जहाँ पे हो, जहाँ पे नोट से ट्रांजैक्शन ही नहीं होता, वहां पे फेक नोट बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। मतलब जो जारी नोट्स होते हैं उनके द्वारा ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ये को एक और फायदा हो गया गवर्नमेंट के लिए। दूसरा क्या फायदा हो सकता है, दैट इज डीबीटी। डीबीटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है कि सब्सिडीज हो गई, किसानों की सब्सिडीज, या फिर गैस के ऊपर जो सब्सिडीज दी जाती है, या फिर गरीबों को कुछ सब्सिडीज, या फिर कुछ बहुत सारी योजनाओं के द्वारा गवर्नमेंट को अगर पैसे देने हैं गरीबों को, तो गवर्नमेंट कैश के द्वारा तो नहीं दे सकती, ठीक है। लेकिन अगर डिजिटल माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जाए बैंकों में, बैंक अकाउंट में उन व्यक्तियों के, तो क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी। और डायरेक्टली क्या कर सकती है गवर्नमेंट, डायरेक्टली पैसे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है विदाउट एनी मीडियम और विदाउट एनी मिडल मैन, ठीक है। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट इतने इतने पैसे अलॉट कर देती थी कि इन गरीबों के लिए ये स्कीम है और उनको इतने पैसों का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जो बीच में जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम होती थी वो क्या करती थी, गवर्नमेंट अगर 100 रुपए दे रही है किसी गरीब व्यक्ति को, तो बीच में 90 रुपए तो बीच वाले लोग खा जाते थे और गरीब के पास 10 रुपए ही पहुंच पाते थे, या फिर वो भी नहीं पहुंच पाते थे पहला, ठीक है। लेकिन ये डिजिटल सिस्टम आने से क्या हुआ है कि अभी गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली पैसे उस गरीब के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। उसे बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये एक चीज मुमकिन हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज फार्मर्स बेनिफिट। तो किसानों को भी हमारे फायदा हो सकता है, जो उनकी सब्सिडीज होती है, उनके सोलर पंप पे सब्सिडीज मिलती है, उनके बहुत सारे चीजों पर उनको सब्सिडीज मिलती है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडीज मिलती है, तो वो सब्सिडीज भी डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। ओके, सो ये तो सारे हुए चार्म्स। चार्म्स का मतलब क्या है, एडवांटेजेस, फायदे। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है। सो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि पावर एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस चैलेंज फॉर डिजिटल इकोनॉमी की लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि पायाभूत सुविधाएं, ठीक है। मतलब अगर मुझे डिजिटल मीडियम से ट्रांजेक्शन करना है तो मुझे क्या लगेगा, एक तो मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, ठीक है, उसमें मेरे पास कोई एप्लीकेशन होना चाहिए, उसके बाद में पहले तो मेरा बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। वो बैंक अकाउंट मेरे उस वॉलेट से, मोबाइल वॉलेट से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर मेरे पास है तो मैं जिसको पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, उसके पास भी ये सारी चीजें होनी चाहिए, राइट। तभी क्या हो सकता है कि डिजिटल मीडियम से ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आदिवासी इलाका, तो आदिवासी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में लोगों के पास बैंक, उनका बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते, उनके खाते ही नहीं बैंकों में, तो किस प्रकार से डिजिटल ट्रांजेक्शन हो पाएगा, गवर्नमेंट किस प्रकार से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाएगी, ठीक है। और अगर उनके बैंकों में खाते भी है तो वहां पे तो कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, उनके पास ना स्मार्टफोन है, ठीक है, और अगर है भी तो उनको यूज कैसे करना है वो मालूम नहीं होता। तो ये क्या है, दिस इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। पावर की, पावर सप्लाई नहीं है, बिजली नहीं है, ठीक है, या फिर टेलीकॉम सेक्टर का जो नेटवर्क है वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को अगर डिजिटल इकोनॉमी करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा, ठीक है। ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों पर गवर्नमेंट को सोचना होगा और इन चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो दिस इज अ चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्या चैलेंज है, नेक्स्ट चैलेंज इज
Government itself must become a role model first in handling tax tender and procurement through digital payment. Okay, so अगर government को digital economy को promote करना है तो पहले खुद से शुरुआत करनी होगी government को. मतलब government के जितने भी offices है, ठीक है, government के जितने भी कार्यालय वगैरह है, तो वहां पे क्या होना चाहिए कि कम से कम पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा डिजिटली डिजिटल माध्यम का यूज होना चाहिए. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट को पाने के लिए क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं. ठीक है, उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट ले जाके आपको तहसील कार्यालय में सबमिट करने होते हैं. ठीक है, फिर तहसील कार्यालय में वो आपकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे साइन लेके अधिकारियों के वो जाता है, और उस 10-15-20 दिन में आपको वो आपका इनकम सर्टिफिकेट मिलता है. यही प्रोसीजर है ना. तो यहाँ क्या है कि बहुत सारा पेपर वर्क हो रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पे अगर हम डिजिटल इकोनॉमी को लाए या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हम अवेलेबल करें, तो क्या होगा कि हम यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स हम ऑनलाइन अवेलेबल कर सकते हैं, ऑनलाइन हम तहसील कार्यालय में उनकी वेबसाइट पे सेंड कर सकते हैं, और हमारे सारे डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन होने के बाद गवर्नमेंट भी या फिर तहसील कार्यालय भी हमको ऑनलाइन हमारे ईमेल पे हमारा इनकम सर्टिफिकेट सेंड कर सकती है. ठीक है, मतलब पैसे की बचत हो गई, टाइम की बचत हो गई, पेपर की बचत हो गई. ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए खुद एक रोल मॉडल बनना होगा और खुद से जो डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए खुद से शुरुआत करनी होगी. ठीक है, उसके बाद में टैक्स, अगर टैक्स का जो भुगतान होता है वो भी क्या करना चाहिए कि वो भी उसको भी ऑनलाइन कर देना चाहिए. हालांकि अभी ऑनलाइन ही है, लेकिन उसमें भी उसका ऑल इंडिया पेनिट्रेशन नहीं है. कई कई जगहों पे भी ऑनलाइन तरीके से टैक्स पेमेंट नहीं हो पाता. ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, और क्या क्या चैलेंजेस है. नेक्स्ट चैलेंज इज टू इनकरेज डिजिटल पेमेंट इफ सब्सिडी देन टैक्स ब्रेक्स लॉटरीज गिवन फॉर परपेचुअल टाइम. ओके, मतलब डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किस प्रकार से जो मोबाइल वॉलेट्स की कंपनियां होती है वो आपको क्या करती है, कैशबैक वगैरह ऑफर करती है, राइट. गवर्नमेंट भी क्या करती है कि जो MDR है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 2,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए उसको फ्री कर दिया था MDR को. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने MDR को 2,000 की सीलिंग उसमें लगाई थी, राइट. तो ये सारी चीजें जब गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट को खुद से वो जो कॉस्ट है उसको बियर करना पड़ता है, राइट. तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो खजाना है, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के ऊपर इकोनॉमिकली बर्डन पड़ जाता है ऐसी चीजों का. ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, और उसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट. मतलब गवर्नमेंट की जितनी इनकम है उससे ज्यादा गवर्नमेंट खर्च करती है, तो उसे उस चीज को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट. ये हम जो हमारा नेक्स्ट पिलर होगा गवर्नमेंट बजटिंग एंड फाइनेंस, उस पिलर में हम फिस्कल डेफिसिट को डिटेल में पढ़ने वाले. ठीक है, ओके, नाउ हाउसहोल्ड्स. अब जो कॉमन लोग है, ठीक है, आम आदमी है, उन लोगों को क्या फायदा हो सकता है डिजिटल इकोनॉमी से. तो लोगों को क्या फायदा हो सकता है, तो लोगों को इस प्रकार फायदा हो सकता है कि इट इज सिक्योर एंड ट्रांजेक्शन फ्रॉम डिजिटली जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, सिक्योर होता है. ठीक है, कि आपको आप नोट कैरी नहीं कर रहे हैं, आपके वॉलेट आपका जो बटवा है, ठीक है, आप अपने जेब में पैसे कैरी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती. अगर आपके जेब में पैसे ही नहीं है तो कोई आपके जेब में से पैसे चोरी नहीं कर सकता, राइट. तो बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी से डिजिटल माध्यम से ट्रांजेक्शन करना एक सिक्योर है. ठीक है, इट इज सिक्योर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, और ये टाइम सेविंग भी है, राइट. उसके बाद ये सारे फायदे आम आदमी को
डिजिटल इकोनॉमी से, डिजिटल ट्रांजैक्शन से हो सकते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन होने में भी इससे मदद होती है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को के बारे में मैंने पहले ही आपको पिछले ही लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उससे जुड़ जाना। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन के बहुत नए नए जो तरीके हैं, इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होने में बहुत मदद होती है, तो ये आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस क्या है आम आदमी के सामने? फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है? डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है। ओके, मतलब लोगों को किस प्रकार से इस सिस्टम को यूज करना है वो मालूम ही नहीं होता। ठीक है, अगर हम अपने हमारे अनपढ़ गवार लोगों को अगर उनका एग्जाम्पल ले ले, तो वो क्या करते हैं, कैश से ही ट्रांजेक्शन करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती कि कैसे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करे और फिर कैसे पैसे ट्रांसफर करे। तो वो क्या है कि डिजिटल डिवाइड है, मतलब सिर्फ कुछ ही लोगों को इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो सिस्टम यूज करना आता है, उनकी उस बारे में समझ है। ठीक है, और दूसरा भी क्या प्रॉब्लम है कि लोगों के पास स्मार्टफोन्स ही अवेलेबल नहीं है। गरीब लोगों के लोग किस प्रकार से डिजिटल सिस्टम का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है, स्मार्टफोन हो गया या फिर बैंक अकाउंट हो गया। लेकिन अमीर लोग तो इजीली इसको क्या कर सकते हैं, उनके पास ये इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो ये हमारे कंट्री में बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है लो फाइनेंशियल लिटरेसी। तो लो फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या मतलब है कि लोगों को, जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। ठीक है, मतलब लोगों को फाइनेंशियल साक्षरता ही नहीं है कि किस प्रकार से हम पैसे डिजिटल माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको इन माध्यम के बारे में अभी पता भी नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी देनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि इस प्रकार से ऐसा सिस्टम होता है और आप डिजिटल ट्रांजेक्शन से ये फायदे हो सकते हैं और आपको ये यूज करना चालू करना चाहिए। ठीक है, हमारे घर में भी हम देखते हैं कि हमारे बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं कि इस मोबाइल पेमेंट से, डिजिटल माध्यम से ट्रांजेक्शन करना क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं। राइट, ओके, तो हमको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी लाने की जरूरत है यहाँ पे। ओके, तो ये एक चैलेंज हो गया। दूसरा क्या चैलेंज है कि फ्रॉड्स, कार्ड क्लोनिंग। तो जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा होने लगे, तो उससे एक नुकसान भी क्या होने लगा कि जो फ्रॉड करने वाले जो स्कैमर्स लोग हैं, जो आपको फोन करते हैं और आपको बोलते हैं कि मैं ये बैंक से बोल रहा हूँ और आपका आपको मुझे आपका कार्ड अपडेट करना है, मैं और आपको आपकी कार्ड डिटेल्स मुझे बतानी पड़ेगी। और जैसे ही आप उनको फोन से कार्ड डिटेल बता देते हो, तो आपके अकाउंट से सारे पैसे वो हड़प कर लेते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स इन डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने भी आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स या स्कैम्स होते हुए देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद में कार्ड क्लोनिंग। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मैग्नेटिक इंक टाइप की जो कार्ड है उसको क्या होता है, उसको क्लोन कर सकते हैं हम। मतलब उस कार्ड को क्लोन करके उसके जैसा ही एक कार्ड बना के हम दूसरों के अकाउंट से डायरेक्टली पैसे चुरा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे स्कैम, फ्रॉड वगैरह ये भी होते हैं, और इससे जो आम आदमी है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन को करने से कतराता है। ठीक है, तो दिस इज अ चैलेंज बिफोर हाउसहोल्ड्स। ओके, उसके बाद में आखिरी जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? बिजनेसमैन। सो बिजनेसमैन को क्या इससे फायदे हो सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी से, कैशलेस इकोनॉमी से? सो जो बिजनेसमैन है उनको इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो। ठीक है, अगर कैश से ट्रांजेक्शन करना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर उनके कस्टमर सारे डिजिटली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इट इज इजी वे फॉर ट्रांजेक्शन। राइट, एंड एक और जो टैक्स फाइलिंग में
अगर डिजिटल इकोनॉमी में गवर्नमेंट अगर जो सारी टैक्स फाइलिंग की प्रोसीजर है वो सारी अगर डिजिटल कर देती है, ऑनलाइन कर देती है, तो उससे क्या फायदा होता है कि जो घर बैठे बिजनेसमैन जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपने कंप्यूटर से अपना टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम समय में और इजिली पे कर सकते हैं, ठीक है, तो ये उनको फायदा है। और चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फिर से वही आया कि जो स्कैम करते हैं, राइट, आपका अगर सोचो किसी ने आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया या फिर किसी ने आपका लैपटॉप हैक कर लिया और आपके लैपटॉप से आपके सारे पासवर्ड्स वगैरह जान लिए, तो ये क्या होगा, आपका पूरे अकाउंट से पैसे चोरी हो जाने की यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, थीके? तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है एमडीआर। तो एमडीआर तो पहले हमने देख लिया कि एमडीआर किस प्रकार से जो बिजनेसमैन है या फिर व्यापारी लोग है उनको किस प्रकार से हैम्पर करता है, राइट, सो दीज ऑल आर चैलेंजेस, चार्म्स एंड चैलेंजेस बिफोर द वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर कैशलेस इकोनॉमी। ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैशलेस इकोनॉमी, डू यू अंडरस्टैंड? आपको कैशलेस इकोनॉमी के बारे में या फिर डिजिटल पेमेंट्स के बारे में कुछ डाउट्स है? डू यू हैव एनी डाउट? सर व्हाट इज एमपीए? ओके, एमपीए नहीं, इट इज एनपी है, ठीक है आकांक्षा, इट इज एनपीए, और एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो क्या होता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और आप ईएमआई पे कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अगर 10 लाख रुपए लोन लिया है बैंक से और आपके आप हर महीना बैंक को कुछ थोड़ी थोड़ी रकम पे कर रहे हैं, राइट, लेकिन लेट अस से कि आपने वो पैसे पे करना बंद कर दिया, ठीक है, तो अगर अब एक साथ अगर आपने 3 महीना, एक के बाद 3 महीना अगर आपने वो रकम बैंक को जो तय की गई रकम है, ठीक है, वो आपने बैंक को पे नहीं की, तो वो क्या हो जाता है, बैंक आपको एनपीए में डाल देती है, मतलब बैंक इस अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसा डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इट इज अ वेरी बर्निंग इशू इन आवर बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, तो आज हमारा मनी पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। अगर क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब हम खत्म करेंगे तो उसके बाद में डायरेक्टली हमारा बैंकिंग जो टॉपिक है वो चालू हो जाएगा, उसमें हम आराम से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिजिटल इकोनॉमी एंड कैशलेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, इस पे हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, ठीक है, आपके प्रीलिम से लेकर आपके मेन से लेकर आपके इंटरव्यू तक ये टॉपिक आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है, सो इसीलिए हमने आप इसमें डिटेल में पढ़ा है। और मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट मन में मत रखिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिप्टो करेंसी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। अभी टाइम कितना बचा है? ठीक है, अभी 15 मिनट है। क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सो ये हमारा नया टॉपिक है। सो पहले तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आप में से कितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर बिटकॉइन इसका नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? हाउ मेनी ऑफ यू? नो सर, नो सर, नो नो नो। ओके, आप में से किसी ने भी नहीं सुना, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो बेसिकली ये आपके लिए पूरा का पूरा नया टॉपिक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। सो क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी,
ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, ठीक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम जितना हमारे यूपीएससी के लिए जरूरी है उतना हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, सो पहले तो डेफिनेशन जानते हैं, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। करेंसी क्या होता है? करेंसी तो हम सबको मालूम है, राइट। करेंसी मतलब जो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, मनी, ठीक है, चलन उसको मराठी में बोलते हैं। तो करेंसी तो हम सभी को मालूम है, हमारी करेंसी कौन सी है? इंडियन रुपीज। यूएस की करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर, ठीक है। तो करेंसी तो हमको मालूम है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? ठीक है, सो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। सो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? इट इज डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी, ठीक है। इतना आपको याद में याद रखना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी। अब आप इस जो डेफिनेशन है इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि हमारे जो नोट्स है, ठीक है, जो हम अभी पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं रुपीज, क्या हम इन रुपीज को हाथ में ले सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू टेक रुपीज इन अवर हैंड? कैन वी टच द रुपी? रुपी को हम टच कर सकते हैं क्या? नोट को हम टच कर सकते हैं क्या? अरे कितना आसान सवाल है, इसके इसके लिए भी आप इतने देर लगा रहे हो आंसर देने के लिए। हाँ बिल्कुल टच कर सकते हैं ना हम नोट्स को, हम कॉइन्स को टच कर सकते हैं, नोट को टच कर सकते हैं। सो ये क्या है? सो ये हमारी जो नोट है वो क्या है? ये फिजिकल करेंसी है। उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल करेंसी, क्योंकि हम फिजिकली उसको हाथ लगा सकते हैं, राइट। लेकिन जब हम डिजिटली ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या हाथ लगाकर या फिर हाथ से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, वो क्या होता है कि वो डिजिटली ही वर्चुअली ही वो पैसे क्या हो जाते हैं? ट्रांजेक्शन हो जाता है। सो इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी होती है जो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमारे नोट्स है, डॉलर है, वो क्या है, सारे कॉइन्स और नोट्स क्या है, वो फिजिकली अपीयर करते हैं, राइट, दे आर फिजिकल करेंसीज। बट क्रिप्टो करेंसीज आर दोज करेंसीज विच आर वर्चुअल करेंसी। मतलब वर्चुअली मतलब वो सिर्फ आपको इंटरनेट पे ही अवेलेबल हो सकती है वो करेंसी, ठीक है। आपके पास सॉफ्टवेयर सिस्टम ही होना चाहिए तभी आपके पास वो करेंसी हो सकती है, या फिर उस करेंसी के द्वारा आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसे बोलते हैं वर्चुअल करेंसी। आपको समझ में आ गया डिफरेंस, व्हाट इज वर्चुअल करेंसी और फिजिकल करेंसी में क्या डिफरेंस होता है? डू यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फिजिकल करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी? फिजिकल करेंसी वो होती है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, हाथ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो फिजिकली अवेलेबल है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, राइट। अगर वो नीचे गिर जाए तो उसका आवाज भी आता है, तो वो फिजिकल करेंसी है। लेकिन वर्चुअल करेंसी क्या है? वर्चुअल करेंसी वो है, वो करेंसी सिर्फ डिजिटली अवेलेबल होती है, वो सिर्फ इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, ठीक है, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सो दैट इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी। ओके, अब तो ये तो समझ में आ गया कि क्रिप्टो करेंसी इज ए वर्चुअल करेंसी, ठीक है, ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी मतलब क्या? सो अब डिसेंट्रलाइज का मतलब समझते हैं कि हमारा जो अभी हमारे जो करेंसी है वो क्या है? आरबीआई के द्वारा इश्यू की गई है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की गई है। सो एक गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट और आरबीआई इज ए सेंट्रल एजेंसी, वो यहाँ पे करेंसी को इश्यू कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसका कोई भी मालिक नहीं होता, ठीक है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। हमारा जो रुपी है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे रुपी को कंट्रोल कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रुपी को छापता आरबीआई है। कितने पैसे छापने हैं, कितने नहीं छापने, ये सब आरबीआई के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। मतलब इसका कोई तो ओनर है, कोई तो अथॉरिटी है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसका कोई मालिक नहीं होता, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी, ठीक है। ओके, नाउ
आई होप यू अंडरस्टैंड क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन। नाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? अब क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, ठीक है, उस वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी ये दोनों अलग अलग चीजें है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इज अ वर्चुअल करेंसी, इट इज अ टाइप ऑफ करेंसी, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू जनरेट द क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट मेंटेन्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस। ओल्ड एंट्रीज कैनॉट बी डिलीटेड एंड न्यू एंट्रीज विल बी विजिबल टू ऑल। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर रनिंग क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। सो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये एक प्रकार की सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अगर हम सब जानते हैं कि हमारा जो सारा डेटा होता है कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर का सारा डेटा क्या होता है कि हमारा जो हार्ड डिस्क रहती है या सीपीयू में जो मेमोरी रहती है, ठीक है, जो ड्राइव्स रहती है उसमें ये डेटा सारा स्टोर हो जाता है। ठीक है, राइट, हम जो भी कंप्यूटर पे अपने हमारी फाइल सेव करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो मान लीजिए अगर सीपीयू आपका डैमेज हो गया, जल गया, या फिर कोई चुरा के ले गया आपका सारा सीपीयू, मतलब आपका जो डेटाबेस है जिसमें आपने सेव किया है सारी चीजें, वो कोई चुरा के ले गया, तो क्या हो गया कि आपका सारा डेटा तो चला गया, वो तो वापस आने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारा डेटा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में स्टोर किया गया था। एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। अभी यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट की, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट करने के बाद यूपीएससी पूरे एग्जाम पेपर को चेक करती है, सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट को क्या करती है, एक साथ सारे कैंडिडेट के रिजल्ट को क्या करती है, इवॉल्यूएट करती है, और रिजल्ट को क्या करती है, उनके सर्वर में स्टोर करती है, राइट। और रिजल्ट को स्टोर करने के बाद ये सारा डेटा उनके पास क्या होता है, किसी एक सर्वर में स्टोर होता है, राइट। लेकिन लेट अस इमेजिन दैट जो भी सर्वर है यूपीएससी का, जहां पे भी सारा ये डेटा है, सारे जो लोगों स्टूडेंट्स के रिजल्ट, सारे क्वेश्चन पेपर, ये जो सारा डिजिटल माध्यम से जो स्टोर किया गया है सर्वर में, वहां पे अगर आग लग जाए तो क्या होगा, वो पूरी बिल्डिंग ही जल जाए, तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो तो डिलीट हो जाएगा, मतलब वो तो वैनिश हो जाएगा। कितना नुकसान हो जाएगा स्टूडेंट्स का, लोगों को, स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी, राइट। मतलब ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम होती है उसमें क्या होता है कि एंड में जाकर किसी एक पॉइंट के पास या फिर किसी एक सिस्टम होता है, वहां पे सारा डेटा स्टोर हो जाता है, राइट। ओके, तो लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है कि इसमें अलग अलग जो सिस्टम होते हैं उसमें ये सारा डेटा स्टोर किया जाता है, किसी एक डेटाबेस या फिर किसी एक सिस्टम में पूरा डेटा स्टोर नहीं किया जाता। ठीक है, अगर ये बहुत सारे सिस्टम में अगर डेटाबेस स्टोर किया गया हो तो उसका एक फायदा क्या है कि किसी एक डेटा, अगर डेटाबेस कोई डैमेज हो जाता है तो हमको डेटा, हमारा डेटा पूरी तरह से चला नहीं जाएगा। ठीक है, हम उसको फिर भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि डेटा अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से बहुत सारी जगहों पर स्टोर्ड है, राइट। ओके, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है कि ये सिक्योर्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, और इसी सिस्टम का यूज करके क्रिप्टो करेंसी का जो नेटवर्क है पूरा वो चलता है। ठीक है, सो आपको ये दो वर्ड रिमेम्बर ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी चलने के लिए उसका नेटवर्क पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलता है। ठीक है, ओके, सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो हमने देख लिया। तो ये क्रिप्टो करेंसी आई कहां से, ये क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने की क्या जरूरत थी? अच्छा तो चल रहा था, यूएस का यूएस डॉलर है,
यूरोपियन यूनियन का यूरो है, ठीक है, ब्रिटेन का पाउंड है, इंडिया का, हर हर कंट्री का अपना अपना करेंसी है। तो ये डिजिटल या ये डिसेंट्रलाइज्ड या फिर ये वर्चुअल करेंसी को जनरेट करने की क्या जरूरत पड़ी और ये किसने जनरेट किया, किसका काम है ये, तो ये देखते हैं। पहले तो जब उसका ओरिजिन देखते हैं कि 2007 में यूरोप में सब प्राइम क्राइसिस आया, ठीक है। सब प्राइम क्राइसिस ये क्या है कि आप अगर आपको याद होगा 2007-8 में रिसेशन आया था, ठीक है, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि रिसेशन आया था, ठीक है, पूरी यूएस की इकोनॉमी डाउन हो गई थी, ठीक है, लोगों के जॉब जा रहे थे, पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या होता है बैठ गया था पूरी तरह से, क्योंकि यूरोप यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आया था। अब ये सब प्राइम क्राइसिस क्या है ये हम आगे जाकर देखने वाले हैं, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि सब प्राइम क्राइसिस मतलब रिसेशन आया था, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि जो लोग थे कुछ बहुत सारे लोगों का ये जो यूएस की करेंसी है वो पूरी तरह से डाउन हो गई, इवन दो पूरे वर्ल्ड की सारी करेंसीज की वैल्यू खराब हो गई। तो इसी वजह से लोगों ने क्या किया कि उनको ये लगा कि इस जो ये जो करेंसीज है जो अभी ऑर्डिनरी चल रही है उनको डिसमिस करके कोई ऐसी करेंसी आनी चाहिए जिसका जिसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का अथॉरिटी नहीं हो, ठीक है। मतलब लोगों को ऐसा लगा कि अगर यूएस डॉलर की वैल्यू अचानक से गिर गई किसी वजह से तो उनके सारे इन्वेस्टमेंट खराब हो गए, उनके सारे जो उन्होंने जो सारा उनका इकोनॉमिक सिस्टम था वो सारा तबाह हो गया। तो उनको ऐसा लगा कि ऐसी कोई सिस्टम होनी चाहिए, ऐसा कोई करेंसी होनी चाहिए, ये सारे इन सब गवर्नमेंट से जुड़ी ना हो, वो सिर्फ वर्चुअली एग्जिस्ट करे और उसका कोई ओनर ना हो, ठीक है। तो इसी की वजह से कुछ जो गीग्स थे, कुछ जो जो हैकर्स वगैरह लोग होते हैं, जो इस प्रकार के दीवाने लोग होते हैं कोडिंग वगैरह के, उन लोगों ने क्या किया कि ऐसे डिजिटल ऐसे क्रिप्टो करेंसी बनाने की कोशिश की। और 2009 में सतोशी नाकोमोटो इस व्यक्ति ने बिटकॉइन इस क्रिप्टो करेंसी को बनाया, ठीक है। सतोशी नाकोमोटो ये नाम आपको याद में रखना है, ठीक है। सतोशी नाकोमोटो ये व्यक्ति कौन है आज तक पता नहीं चला, ये कहाँ पे रहता है, ये कैसा दिखता है किसी को नहीं पता, ठीक है। बस ये नाम यहाँ पे पता है कि इस व्यक्ति ने बिटकॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी बनाई। तो बिटकॉइन क्या है, जब जब जो हमने ऊपर हमने अभी डेफिनेशन देखी, एक कंसेप्ट हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी का, तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, मतलब बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। और इसको किसने तैयार किया था, सतोशी नाकोमोटो ने, ठीक है। लेकिन डिस्पाइट सतोशी नाकोमोटो हैज क्रिएटेड बिटकॉइन बट ही हैज नो ओनरशिप ओवर इट एंड ही डू नॉट रेगुलेट दिस, ठीक है। ये जो बिटकॉइन है ये वर्चुअल करेंसी है, सतोशी नाकोमोटो ने इसको बनाया जरूर है लेकिन इसका कोई ओनर नहीं है और इसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता, ये सिर्फ वर्चुअली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ओके ओके सो बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी, ये तो आपको समझ में आ गया कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ओके सो टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस इशू किए थे सतोशी नाकोमोटो ने, 20 मिलियन बिटकॉइंस बनाए। तो बिटकॉइन जो है वो जो करेंसी है हम उसको किस प्रकार से किस प्रकार से हम उसको ऑप्टेन कर सकते हैं, तो बेसिकली बिटकॉइन को ऑप्टेन करने के 3 तरीके हैं। एक तो है माइनिंग, आप माइनिंग कर सकते हैं। दूसरा है सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, किसी कोई चीज आप किसी व्यक्ति को बेचकर वो आप व्यक्ति आपको बदले में बिटकॉइन दे सकता है, ठीक है। देन एक्सचेंज ऑफ करेंसी, आप द कोई भी अभी एक्सचेंज रेट जो भी चल रहा होगा आप उसको यूएस डॉलर दे के उससे बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो और पहला क्या है, माइनिंग। माइनिंग क्या होता है, माइनिंग मतलब आपको पता है कि कोयले की खदान में किस प्रकार से कोयला ढूंढा जाता है, ठीक है। लोग उस खदान में जाते हैं अपने औजार वगैरह लेकर और वहां पे खुदाई करते हैं और कोयला बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से
बिटकॉइन को ऑप्टेन करने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसको लेने के लिए माइनिंग एक तरीका है, ठीक है। अब माइनिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये क्या करना पड़ता है, इंटरनेट पे जाकर कोडिंग करना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारी अच्छी कंप्यूटर सिस्टम आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सादा आपका अगर कोई लैपटॉप आपके पास है, या फिर आपका पास अगर ऑर्डिनरी पीसी है, तो उससे काम नहीं बनेगा। आपके पास जो हैकर्स वगैरह, आपने किसी फिल्म में देखा होगा कि पूरा पूरा जो कमरा रहता है वो सारे वायर्स, कंप्यूटर्स और मॉनिटर्स और पूरे पूरे बहुत बड़े बड़े सर्वर से भरा होता है, ठीक है। इस प्रकार से कोई बड़ा सिस्टम आपके पास होना चाहिए, और आपको कोडिंग आनी चाहिए। और दिन रात आप अगर कोडिंग करते जाओगे तो आप एक दो बिटकॉइन को आप ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बिटकॉइन माइनिंग होती है। तो ये तीन जरिए, तीन चीजों के जरिए आप बिटकॉइंस को ले सकते हैं, ठीक है। सो ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, दिस वी विल कंटिन्यू फॉर दिस फॉर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छी तरह से वी विल सी इट, वी विल स्टडी इट इन डिटेल, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव दिस लेक्चर। गुड बाय एवरीबॉडी। बाय बाय एवरीबॉडी, गुड बाय। प्लीज लीव दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बिटकॉइन और आगे की जो जो भी हमारे आगे के टॉपिक है उनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है।